ओके तो आज हम है ना एडमिन डैशबोर्ड डिज़ाइन करेंगे हैपन ऐप का, ठीक है, जिसमें सारे यूज़र्स आप देख सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेज सिलेक्टर में यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करना है, ठीक है, वेबसाइट, और यहाँ से हम एक एडमिन अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, एक स्क्रीन हमने बना ली, अब इसको मैं इस पर देखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इसको नेम हम दे देंगे हैपन। ठीक है, यहाँ पे तीन टेक्स्ट फील्ड है, ईमेल पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड और एक क्रिएट अकाउंट। तो क्रिएट अकाउंट में जो एक्शन एडेड है ना यहाँ पे, इसको आपको सबसे पहले रिमूव कर देना है। ठीक है, दूसरा हम करेंगे ये जो विजेट ट्री है इसमें आ जाएंगे, और इस कॉलम के अंदर ये सारे टेक्स्ट एडेड है, राइट, तो इस कॉलम के अंदर हम एक टेक्स्ट फील्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड हम ऐड कर देते हैं, और ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको आपको स्क्रॉल करना है यहाँ पे। अब इसको हमें नेम देना है, नेम, ठीक है, लेबल हियर, यहाँ पे हम इसको नेम दे देंगे, और इसका जो फिल कलर है इसको हम सिलेक्ट करेंगे। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फिल कलर मिलेगा, ठीक है, इसको हम कॉपी करेंगे और इस टेक्स्ट फील्ड को हम फिल कलर देंगे। तो उसके लिए आपको फाइंड करना है फील्ड नाम का एक स्विच, ठीक है, ये फील्ड, इस पर हम कलर दे देंगे यहाँ पे ऐसे, और इसकी जो विड्थ है इसको सेट कर देंगे हम 370, और पैडिंग आपको यहाँ से ज़ीरो कर देना है लेफ्ट और राइट, और टॉप से हम 20 दे दें, टॉप से नहीं देंगे, ठीक है, टॉप से ज़ीरो दे देते हैं और नीचे से 20। तो ये हो गया हमारा क्रिएट अकाउंट रेडी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि क्रिएट अकाउंट के लिए हमें एक कलेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम आ जाएंगे कनेक्ट में, और यहाँ पे हम करेंगे एडमिन, ठीक है, क्रिएट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, हम करेंगे नेम, एक रहेगा हमारे लिए ईमेल, एक रहेगा पासवर्ड, ठीक है, एक रहेगा पासवर्ड कन्फर्म। अब हम आ जाएंगे हमारे क्रिएट अकाउंट पे और एक्शंस ऐड कर देंगे। हम बोलेंगे क्रिएट डॉक्यूमेंट, और कलेक्शन में हम एडमिन सिलेक्ट कर लेंगे, नेम, ईमेल, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। नेम में हम सेट करेंगे फ्रॉम वेरिएबल विजेट स्टेट में नेम, ईमेल में हम सेट कर देंगे विजेट स्टेट में ईमेल, पासवर्ड में हम सेट कर देंगे विजिट स्टेट में पासवर्ड, और पासवर्ड कन्फर्म में फ्रॉम वेरिएबल विजिट स्टेट में से हम एक पासवर्ड कन्फर्म ले लेंगे। ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा डॉक्यूमेंट। अब इसके बाद में हमें एक एक्शन ऐड करना है, नेविगेट टू, एक स्क्रीन बनाना पड़ेगा एडमिन डैशबोर्ड। तो उसके लिए हम करेंगे राइट क्लिक ऐड पेज, ठीक है, यहाँ पर मैं डैशबोर्ड सर्च कर लूँगा, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम नाम दे देंगे एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, अब इस एडमिन डैशबोर्ड को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। विजेट ट्री में हम आ जाएंगे, सबसे पहले एरर्स आपको देखने हैं कि क्या हो रहा है, एक्शन नॉट डिफाइंड, तो सबसे पहले इसको ठीक कर लेंगे एडमिन डैशबोर्ड। ठीक है, दूसरा एरर आ रहा है लाइट डार्क। अब जब हमने ये स्क्रीन ऐड किया ना एडमिन डैशबोर्ड, तो उसमें ये आपको ये सेट कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे एरर्स पे, और ये वाला एरर, ठीक है, ये हो गया हमारे एरर सॉल्व। अब हम आ जाएंगे एडमिन डैशबोर्ड में विजिट ट्री में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक रो है, रो के अंदर हमारे पास एक ये है साइड में और एक कॉलम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो मैक्स विड्थ है ना, ये हमारा सेक्शन पूरा जिसमें हमको डिज़ाइनिंग करना है, तो उसके अंदर एक कॉलम है, टॉप हेडर है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो आपको यहाँ पे सिलेक्टेड दिख रहे होंगे, वैसे ही टॉप स्टेट्स है, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और जो ये कॉलम है, ये रो है, ठीक है, इस रो को भी हम डिलीट कर देंगे। अब हमारा एडमिन डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, यहाँ का जो भी पार्ट था मैंने रिमूव कर दिया ना, इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग प्रॉपर कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देंगे प्रॉपर,
और ये जो नेम है ये अब हम कहाँ से लेके आएंगे तो उसके बारे में स्टडी करते। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एडमिन डैशबोर्ड सिलेक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे हम एक क्वेरी लगाएंगे और यहाँ से एडमिन को सिंगल डॉक्यूमेंट हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो नेम है इसको हम टेक्स्ट दे सकते हैं यहाँ से एडमिन डॉक्यूमेंट से नेम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल स्पेस हम ऐड कर देंगे कन्फर्म। वैसे ही ईमेल हम सेट कर देंगे यहाँ से एडमिन डॉक्यूमेंट से ईमेल। ठीक है, यहाँ स्पेस ऐड कर देंगे कन्फर्म। ये हो गया। अब हम यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा की चीज़ है उसको रिमूव कर देते। ठीक है, और यहाँ पे हम विजिट ट्री में, अब इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जैसे ये टॉप हेडर है हमारा, जो लेफ़्ट साइड है ना वो ये है। ठीक है, इसमें ये कंटेंट व्यू क्या दिखा रहा है, ये वाला सेकंड कंटेंट व्यू हमने डिलीट कर दिया, तो इसको भी डिलीट कर देंगे और इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, नहीं इसको नहीं, इसके नीचे जो आ रहा है ना ये वाला एम्प्टी वाला, इसको डिलीट कर देंगे तो आपका ये रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको है ना कुछ यूज़र्स दिखाने हैं, तो यूज़र्स हम कैसे दिखाएंगे, उसके लिए हम आ जाएंगे इस रो में। ठीक है, इस कॉलम में ये है। ठीक है, मैक्स विड्थ में आपको काम करना है ना, तो ये हम सिलेक्ट करेंगे और इस कॉलम के अंदर एक रो ऐड कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक रो ऐड कर देंगे और इस रो के अंदर एक स्टैक ऐड कर देंगे हम। ठीक है, तो अब आपका ऐसा कुछ दिखेगा और हम नीचे आ जाएंगे और जो भी हमने रो बनाई ना स्टैक, ठीक है, उस स्टैक के अंदर हम एक इमेज ऐड करेंगे जहाँ पे यूज़र की इमेज दिखेगी और उसी स्टैक के अंदर यहाँ पे नीचे बॉटम में एक टेक्स्ट ऐड कर देंगे और उस टेक्स्ट को यहाँ से मैं पैडिंग दे दूँगा 120 टॉप से थोड़ा और। ठीक है, इसको पहले इमेज को छोटा कर देते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ 150 बाय 150 और बॉर्डर रेडियस इसको हम 75 दे देते। ठीक है, तो और ये जो नेम है ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को थोड़ा नीचे लेके आएंगे और इस तरीके से। ठीक है, और लेफ्ट साइड से मैं थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ और जो हमारा रो है यहाँ पे रो है, रो को हम सिलेक्ट करेंगे और पैडिंग दे देंगे 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रो पे ना एक क्वेरी लगाना है, तो क्वेरी लगा देंगे, इस रो को सिलेक्ट करेंगे और बैकएंड क्वेरी लगा देंगे एक कि सारे जो भी यूज़र्स हैं उनको फेच करो और यहाँ पे शो कर दो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सारे यूज़र्स आपके आ जाएंगे। अब इस यूज़र की जो इमेज है वो कहाँ से आएगी, यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से फ़ोटो यूआरएल, और जो नेम है नेम हम ले लेंगे हमारे यूज़र्स डॉक्यूमेंट में से डिस्प्ले नेम। और जो ये रो है इस रो को प्रॉपर्टीज़ में आप नीचे स्क्रॉल भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आप लेफ़्ट सेलेक्ट करके इसको लेके आ सकते हैं। ये हो गया हमारा एडमिन डैशबोर्ड डिज़ाइन। इसको थोड़ा ऐसे करेंगे ना, तो यहाँ पर भी नेम है तो नेम सेट कर देंगे इसका एडमिन डॉक्यूमेंट में से नेम। ठीक है, डिफ़ॉल्ट वेरिएबल वैल्यू ऐसे दे देंगे स्पेस और ईमेल सेट कर देंगे उसका एडमिन डॉक्यूमेंट में से ईमेल। ठीक है, हो गया कन्फर्म। अब इसको अगर इसको अभी हमें देखना है ना, तो हमारे पास तो कोई पेज नहीं है, तो क्रिएट एडमिन अकाउंट पे मैं नीचे शो ऑन नेव बार कर देता हूँ ताकि नीचे एक एडमिन अकाउंट हमें दिख जाए। बाद में हम इसकी हैंडलिंग करेंगे कि जो यूज़र्स हैं उनको ये बटन ना दिखे, ये सिर्फ एडमिन को ही दिखे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर सेट कर देंगे आइकन एडमिन। इसको रन कर देते हैं ऐप को। अभी आपको एक टैब मिल गया होगा एडमिन का, यहाँ से हम अकाउंट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसका कलर है ना वाइट आ रहा है, तो देखते हैं उसको gmail.com। ठीक है, क्रिएट अकाउंट। अब आप देख सकते हैं उसी का ही ईमेल आईडी आ गया, पर हमारे पास जो यूज़र्स है वो नहीं है, यूज़र्स भी आ गए,
एक्चुअली ये कलर हमें सेट करने पड़ेंगे, और इनके जो इमेजेस हैं फॉर एग्जांपल यूज़र्स में आ जाते हैं। यहाँ पे ना एक कलेक्शन भी क्रिएट हो गया एडमिन से, और यूज़र्स में हमें देखना पड़ेगा, फ़ोटो यूआरएल नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम क्या करेंगे कि जो एडमिन डैशबोर्ड है इनमें जो इमेजेस आ रही है ना, वो इंस्टेड ऑफ फ़ोटो यूआरएल हम ले लेंगे फ़ोटोज़ से। फ़ोटोज़ में अवेलेबल ऑप्शंस, इंडेक्सेड आइटम, फर्स्ट इंडेक्स पे से जो भी रहेगा वो दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा कि जो भी यूज़र पे हम क्लिक करेंगे ना, उस यूज़र की जो भी डिटेल्स है वो हमें यहाँ पे शो करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूज़र्स है ये है, ठीक है। तो उसका डिजायर्ड जेंडर, जेंडर और उसमें जो मैचेस और रिजेक्टेड है, रिपोर्ट और ब्लॉक फीचर, तो यहाँ से एडमिन है ना जो उसको हैंडल कर पाए। तो हम यूआई कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे उसका कि जैसे ये एक यूज़र है, ठीक है। इस यूज़र पे हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक बॉक्स हम ओपन करेंगे, ठीक है। उस बॉक्स के अंदर हम कुछ देंगे, मतलब एक रिपोर्ट एंड ब्लॉक वाला फीचर, ठीक है। इसको रिपोर्ट करना है ब्लॉक, तो यहाँ पे एक बटन के थ्रू वो यूज़र को ब्लॉक कर पाएगा, ठीक है। अगर मैचेस में कोई उसके मैच है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं उसको, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर यूज़र के, ये जो यूज़र है इसने किसको किसको मैच किया है, उनकी आईडी हमें यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे हम हर यूज़र की आईडी को देख लेंगे। वैसे ही रिजेक्टेड यूज़र्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रिजेक्टेड यूज़र्स के लिए जो भी लिस्ट रहेंगी उनकी आईडी आ जाएगी, और उसके आगे एक बटन आ जाएगा कि अगर हमें उस यूज़र को रिमूव करना है या ब्लॉक करना है तो हम कर सकते हैं अपने एडमिन पैनल से, ठीक है। ये पूरा हम कंट्रोल बनाएंगे एडमिन पैनल का इस तरीके से। तो यही चीज़ हम कवर करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो अभी आपका ये टास्क है कि जो आज हमने ये क्रिएट किए ना दो पेज, एडमिन अकाउंट और एडमिन डैशबोर्ड, तो यहाँ से हमारा एडमिन वाला जो वेब डैशबोर्ड पैनल है वो बनाना शुरू होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एपिसोड में इसको इम्प्लीमेंट करके हम देखेंगे कि कैसे एडमिन यूज़र को यहाँ से अगर रिपोर्ट या ब्लॉक कर दे रहा है तो हमारा जो मेन ऐप है वहाँ पे वो चीज़ें दिख रही है या नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये पूरी हैंडलिंग हम करेंगे ऐप की नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये एडमिन पैनल दिखेगा, ठीक है। अब हमें इनके यूज़र के क्लिक करने पे जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई ना, उस तरीके से हमें यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड में वो कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और एक चीज़ है कि अगर आपको यूज़र्स कलेक्शन में फ़ोटोज़ अवेलेबल नहीं है ना, तो उस डॉक्यूमेंट को डिलीट कर दें या फिर फ़ोटोज़ कुछ ऐड कर दें, ठीक है। ये मैंडेटरी है, नहीं तो यहाँ पे आपको एरर्स दिखेंगे। ये स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।